Assalamu alaikum. I'm your English teacher from the Knowledge House School. This is book of English for class 3. My playmate, unit number 5, part 2, page number 49. My playmate ka matlab hai mera khel ka saathi. Words to know: a sorry sight. Sorry sight ka matlab hai udaas nazara. A sad thing to see. कोई ऐसी चीज़ या नज़ारा देख लेना जिस पे दुख या अफसोस हो. प्लेमेट, अ फ्रेंड टू प्ले विद. प्लेमेट का मतलब है खेल का साथी. पडल का मतलब है जोहर. अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर, एक ऐसा घड़ा या खड्डा छोटा सा जिसमें पानी खड़ा हुआ हो. ट्रीट का मतलब है पाँव रखना या कुचल देना. वॉक, पुट योर फूट ऑन. वॉक का मतलब चलना या फिर किसी चीज पर पांव रख देना. आई ऑफन वंडर हाउ इट इज दैट ऑन अ रेनी डे. मैं अक्सर हैरान होता हूँ ये कैसे होता है बारिश के दिन. ऑफन का मतलब है अक्सर, वंडर का मतलब है हैरान होना. रेनी डे बारिश के दिन. अ लिटिल बॉय जस्ट लाइक माई सेल्फ, एक छोटा लड़का या नन्ना लड़का बिल्कुल मेरी तरह कम्स आउट विद मी टू प्ले, मेरे साथ खेलने को बाहर आ जाता है. एंड वी स्टेप इन ऑल द पडल्स, और हम सब जोहड़ों में कदम रखते हैं. पडल्स का मतलब है जोहड़, यानी कि कोई एक छोटा सा खड्डा जिसमें पानी खड़ा हुआ हो. व्हेन वॉकिंग थ्रू द टाउन, जब कस्बे में चलते हैं. टाउन का मतलब है कस्बा. वॉकिंग चलना. बट दो आई स्टैंड द राइट वे अप, लेकिन अगरचा मैं सही तरीके से खड़ा होता हूँ. ही इज ऑलवेज अपसाइड डाउन, वो हमेशा उल्टा होता है. अपसाइड डाउन का मतलब है उल्टा, ऑलवेज हमेशा. आई हैव टू ट्रीड अपॉन हिज फीट, मुझे उसके पैरों पर पैर रखना पड़ते हैं. ट्रीट का मतलब है पाँव रखना या कुचलना. विच इज अ सॉरी साइट, जिसे देखकर अफसोस होता है. सॉरी साइट का मतलब है उदास नज़ारा. विद माई लेफ्ट फूट ऑन हिज लेफ्ट फूट, मेरा बायां पाँव उसके बाएं पाँव पर. लेफ्ट का मतलब है बायां, फूट पाँव. माई राइट फूट ऑन हिज राइट, और मेरा दायां पाँव उसके दाएं पाँव पर. आई रियली विश ही वुड टॉक टू मी, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि वो मुझसे बात करे. ही सीम्स सो वेरी काइंड, वो इतना मेहरबान मालूम होता है. काइंड का मतलब है मेहरबान. विश का मतलब है ख्वाहिश. फॉर व्हेन आई लुक एंड स्माइल एट हिम, क्योंकि जब मैं उसकी तरफ देखता और मुस्कुराता हूँ. स्माइल का मतलब है मुस्कुराना, लुक का मतलब है देखना. ही डज द सेम आई फाइंड, मुझे पता चलता है कि वो भी ऐसा ही करता है. बट आई नेवर हियर हिम स्पीकिंग, मगर मैं उसे कभी बोलते हुए नहीं सुनता हूँ. सो श्योरली ही मस्ट बी इन सम स्ट्रेंज लैंड एंड. बट आई नेवर हियर हिम स्पीकिंग, मगर मैं उसे बोलते हुए कभी नहीं सुनता हूँ. सो श्योरली ही मस्ट बी इन सम स्ट्रेंज लैंड द अदर साइड, इसलिए यकीनन वो किसी अजीब दुनिया की किसी दूसरी तरफ या दूसरी साइड पर होगा. स्ट्रेंज का मतलब है अजीब या अनोखा. स्पीकिंग बोलना. जस्ट ऑपोजिट टू मी, बिल्कुल मेरे मुखालिफ. ऑपोजिट का मतलब है.